क्या बात है। अगर ठंडी का मौसम हो और साथ में बादल गड़गड़ाते हुए बारिश हो जाए तो फिर ठंडी में और डबल ठंडी हो जाती है, सोने पे सुहागा लग जाता है। और ऐसे समय में, ऐसे ह्यूमिड, उमस भरी लेकिन काफी कड़ाके की ठंड में एक ही परफ्यूम हमको याद आता है, और वो है कस्तूरी, या जिसको हम कहते हैं मस्क। तो आइए आज हम एक्चुअल कस्तूरी या मस्क परफ्यूम या अतर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अतरों में जाने के से पहले थोड़ा कस्तूरी के बारे में बात कर लेते हैं कि कस्तूरी एक एनिमल प्रोडक्ट है। ये कस्तूरी हिरण का एक ग्लैंड होता है जिससे डिराइव होता है। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि कस्तूरी हिरण, जिसके दो दो दांत होते हैं ऐसे बाहर, अब तो काफ़ी एक्सटिंक्ट प्रजाति है, और इसीलिए ही कस्तूरी का व्यापार करना भी थोड़ा रिस्की भी होता है, और एक्चुअली एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है वो प्रजाति, तो उसका मिलना भी बहुत ही नामुमकिन सा होता है। उसके नाभि में से जो है वो ग्लैंड निकलता था, उसमें दाने होते थे, और उन दानों को अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता था, खाने में, स्पिरिचुअली यू नो स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट्स के लिए, रिलीजियस रिक्वायरमेंट्स के लिए, और आपके परफ्यूमरी के रिक्वायरमेंट्स के लिए। ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे दोस्तों जिन्होंने एक्चुअली वो कस्तूरी का ग्लैंड देखा होगा, या कभी कस्तूरी पान खाया होगा, या कभी अपने दादा परदादाओं के पास में कस्तूरी से भरी हुई कोई रुमाल में ऐसे दाने वगैरह देखे होंगे जिसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग होती थी। लेटेस्ट में मैंने दोस्तों कुछ लोगों से पूछा था कस्तूरी के बारे में कि अगर कहीं से अरेंज हो सकती है, तो सबने ही मना कर दिया। और एक महाशय थे, उन्होंने बोला कि ओरिजिनल तो मिलती होगी भी अगर कभी कहीं पे, तो वो 1 ग्राम 20,000 या 30,000 रुपए की इस तरीके से मिलती होगी। पता नहीं, ये तो अब एक्चुअल ओरिजिनल कस्तूरी तो मिलना पॉसिबल है नहीं, इतना कोई आसान है नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि अभी जो पॉपुलरली अवेलेबल मस्क या कस्तूरी है, या मुश्क भी कहते हैं इसको, ये कौन से ब्रांड्स के हैं, कौन से अतर हैं, और ये किस प्रकार के स्मेल करते हैं, कितने इजीली अवेलेबल है, क्या इनकी लॉन्जिविटी है, किस तरीके के ये स्मेल करते हैं, और आपकी पसंद के कौन से हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक्चुअल कस्तूरी जो है, ओके, उसको आप व्हाइट मस्क, ग्रीन मस्क, चोको मस्क या मस्क रिजाली, ये सब चीजों से कंफ्यूज ना करें। आजकल ओरिजिनल या रियल कस्तूरी मिलना तो ना के बराबर है, हाँ, लेकिन जो भी है उससे मिलती जुलती फ्रेग्रेंस जो है, तो उसको या तो प्लांट से डिराइव करते हैं या फिर सिंथेटिकली डिराइव करते हैं। तो हम ऐसी फ्रेग्रेंस के, ऐसी अत्तर के बारे में बात करेंगे। चालू करेंगे दोस्तों बेसिक मस्क फ्रेग्रेंसेस जो अवेलेबल हैं वहां से, और फिर थोड़े से अच्छी क्वालिटी के मस्क फ्रेग्रेंस की तरफ जाएंगे। सबसे बेसिक जो आपको मस्क मिल सकता है वो है ये नेमथ फ्रेग्रेंसेस का 96 सीरीज वाला है, ओके। ये 6 ml की बॉटल है, इजीली अवेलेबल होती है ये मस्क, एंड ये सबसे बेसिक मस्क है मेरे ख्याल से। डार्क मस्क जो होता है, वेरी बेसिक, या वेरी बेसिक मस्क, ये थोड़ा सा रॉ, थोड़ा सा यू नो अनरिफाइंड इसका फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा, हाँ, रॉ ही फ्रेग्रेंस बेसिकली बोलेंगे। कुछ लोगों को शायद ये प्लेजेंट ना भी लगे, ये भी हो सकता है, बट या सबसे बेसिक मस्क मेरे हिसाब से नेमथ 96 का ये वाला है मस्क। इसका नाम ही है मस्क, MUSK मस्क। उसके बाद दूसरा सबसे बेसिक मस्क दोस्तों ये है अतर कस्तूरी, और ये है फ्रॉम द हाउस ऑफ इंद्र सुगंध भंडार, ओके। ये काफी टाइम से मेरे पास है, मैंने इसको अप्लाई भी किया, ये भी नेमत जैसा मस्क ही है, लेकिन ये अपने ड्राई डाउन में बहुत प्लेजेंट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा अनरिफाइंड रॉ मस्क सा आपको फील आएगा, लेकिन इसका ड्राई डाउन बहुत ही अच्छा रिफाइंड जैसा लगता है, तो उसका बहुत बहुत मजा आता है मतलब, लेकिन उसका ड्राई डाउन जो है वो काफी टाइम बाद आता है। सो फर्स्ट यू हैव टू बेयर द रॉ मस्की सेंट,
एंड उसके बाद में जो है वो ड्राई डाउन में प्लेजेंट सा आपको मस्क मिलता है। बट या इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि एक डार्क मस्क किस प्रकार का हो सकता है तो ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। थर्ड है दोस्तों, ये मैंने लोकली एक्वायर किया है KDS परफ्यूम्स से, किंग ऑफ फ्रेग्रेंसेस। इसका नाम है कस्तूरी एंड ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा डार्क मस्क टाइप है, मतलब जिसको ब्लैक मस्क कहा जाता है ना दोस्तों। मस्क होता है व्हाइट मस्क वगैरह तो हमने हटाई दिए, वो उसकी तो हम बात कर नहीं रहे, लेकिन डार्क मस्क में भी एक ये कस्तूरी होता है और एक ब्लैक मस्क भी आता है। ब्लैक मस्क थोड़ा सा और ज्यादा हैवी वेट इस प्रकार का मस्क लगता है, वो एक्चुअली कस्तूरी जैसा ना होकर थोड़ा साइवेट या कोई और एनिमेलिक नोट जैसा लगता है। तो ये उस प्रकार का कुछ है, इसमें मस्क तो है लेकिन उसमें वो साइवेटी फील भी आ रहा है। काफी लोगों को ये शायद पसंद ना आए, बट आई पर्सनली लाइक इट, स्पेशली इन द विंटर्स। तो दोस्तों ये बात जानना जरूरी है कि ये जो मस्क फ्रेग्रेंसेस की हम बात कर रहे हैं, मस्क अतर की बात कर रहे हैं, ये आप सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में ही लगा सकते हैं या फिर बारिश के बाद जो ठंडा मौसम हो जाता है उसमें ही आप लगा सकते हैं। अगर आप गर्मी में लगा रहे हो मस्क तो प्लीज मेरे को मत गालियां देना, आप अपनी जिम्मेदारी पे लगाओ, क्योंकि मस्क जो फ्रेग्रेंस होती है वो अपने आप में ही थोड़ी सी हीट प्रोड्यूसिंग होती है, इसीलिए इसको ऐसे मौसम में लगाना मुनासिब होता है जब बहुत ज्यादा ठंड हो, और ठंड में भी अगर बारिश हो गई और एक्सट्रीम ठंड हो जाए तो आपको प्लेजेंट वार्म्थ देने के लिए ये कस्तूरी मस्क बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये माणकलाल अतरवाला स्टोर्स का ये कस्तूरी मस्क है। नाउ इस पे देख सकते हैं आप, ये डियर का फोटो बना हुआ है एंड पैकेजिंग वगैरह बहुत अच्छी है। तो यप, ये देखिए इस तरीके के बबल में ये पैक है। ओके, एंड इसका जो है वो थोड़ा और प्लेजेंट है सेंट, यहाँ इसका थोड़ा इंसेंसी काइंड ऑफ कस्तूरी मस्क है, बट रॉ अनरिफाइंड वाला इसमें जो है वो मेरे को फील नहीं आता फॉर श्योर। तो दिस इज गुड बेसिक क्वालिटी मस्क, या एंड दिस इज अवेलेबल एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लिंक्स वगैरह तो मैं सब आपको जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, तो यू कैन एक्सप्लोर मोर। बट या दिस इज वन ऑफ द गुड रिफाइंड बेसिक मस्क कस्तूरी, बहुत बढ़िया, ये मेरे को काफी पसंद आया, मतलब आई वॉज सरप्राइज प्राइस के हिसाब से इसका जो है वो परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। एंड वैसे भी दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मस्क जो है आप ठंडी के कुछ दिनों में ही यूज कर सकते हो, ज्यादा उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर आपको ओवरवेलमिंग हो गया तो फिर आपका सर भी दुख सकता है, परेशान भी हो सकता है। और इसको दोस्तों पहले पहले तो ये अगर आप यूज करोगे ठंडी में भी तो पहले 4-5 दिन तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये इसको समझना ही बड़ा एक हैवी मामला होता है। जब ये आपको समझ में आएगा तभी आपको पसंद आएगा, तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अब मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा फोटो में कि मैंने कितने अभी तक मस्क ट्राई किए हैं समझने के लिए सिर्फ मस्क को, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें कितना मेहनत लगती है और कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ये दरबार सुपर, और ये अगेन KDS परफ्यूम्स से मैंने लिया था। दिस इज वन ऑफ द रिफाइंड मस्क जो फ्रेग्रेंस है उस तरीके का ये है, वेरी प्लेजेंट। इसमें बहुत ही कम अनरिफाइंड एक्सपीरियंस मिलता है स्टार्टिंग में, बट इसका पूरा बाकी का जो है मैक्सिमम 90% जो इसका एक्सपीरियंस है वो पूरा रिफाइंड मस्क का ही है, वेरी प्लेजेंट। या वार्म्थ, डार्क ब्राउन ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो एक एक्सपीरियंस आपके आजू बाजू क्रिएट करता है, ये इज रियली वेरी प्लेजेंट। काफी लोग पूछते हैं कि आपने क्या लगाया है मस्क लगाने के बाद में, यू नो दे अंडरस्टैंड ये कि ये मस्क है, लेकिन कमर्शियल परफ्यूम्स में इतना रिफाइंड और इतना बढ़िया मस्क नहीं मिलता। रॉ मस्क मिलता है तो लोगों को उसमें मजा आता है, विच इज फाइन, आई एग्री, बट ऐसा मस्क लगाने के बाद में रियली पीपल आस्क ये क्या है। तो उसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों, दो मस्क ऐसे हैं जो मेरे को बहुत पसंद आते हैं। पहला जो है वो मदीना कंपनी का ये मस्क है, एंड दिस इज एक्चुअल इंडियन मस्क, एक्चुअल इन द सेंस ओरिजिनल है कि नहीं ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये मुझे सबसे रिफाइंड और सबसे क्लीन सेंट लगता है मस्क का, विच आई एम वेयरिंग ऑल्सो टूडे। सो ये मेरे को सबसे बढ़िया लगता है,
इसका जो है ये सल्ली इसमें दी गई है ड्रॉपर, और या इसके लिंक्स वगैरह तो ऑफकोर्स मैं दे दूंगा आपको, लेकिन या दिस इज रियल वेरी वेरी नाइस मस्क। थोड़ा सा लगाया था मैंने सुबह और ये अभी तक इसकी खुशबू जो है आ रही है। बीच में मैंने थोड़ा टॉप अप भी किया था बिकॉज आई लाइक इट सो मच, तो एंड ठंडी काफी है यार, सो मैंने कहा कि क्यों नहीं इसको लगाया जाए। सो आई रियली रियली लव दिस मदीना का मस्क, दिस इज वन ऑफ द रिफाइंड। एंड यू नो अगर आपको समझना है, शुरुआत करनी है समझने के लिए कि मस्क कैसा होता है, डार्क मस्क कैसा होता है, तो दिस इज वॉट यू शुड लुक फॉर, मदीना का मस्क। उसके बाद में दोस्तों ये एक और है मस्क, ये लगभग लगभग सेम ही है, इंडियन मस्क इसको कहा जाता है। एंड मेरे पास एक्चुअली इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, बट जिनसे मैंने लिया था उनका मैंने ये विजिटिंग कार्ड ले लिया था, तो मैंने यहां से जो है ये परफ्यूम लिया था। ओके, इनका नंबर वगैरह तो आप देख ही सकते हैं, तो यहाँ से नातू अत्तर वाले जो हैं या इनसे मैंने लिया था इंडियन मस्क। एंड ये मेरे को इतना पसंद आया कि ये मैंने अपने दोस्तों को भी बहुत दिया, उनको बहुत भेजा और उनको भी बहुत पसंद आया, खास करके जो मेरे दोस्त दिल्ली वगैरह में रहते हैं, दे रियली लव्ड इट, क्योंकि ये मस्क की खुशबू ना 3 डिग्री 4 डिग्री जैसी ठंड में बहुत मजा आता है, और थोड़ा सा अप्लाई करो और पूरा आपका ऑरा महक जाता है। या दिस इज, ये थोड़ा और रिफाइंड है, ये थोड़ा और प्लेजेंट फॉर्म है। तो अभी आप जैसे इस तरीके से अगर खुशबू लेने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा सा रॉ रॉ लग सकता है, लेकिन क्योंकि इसको हम स्प्रेड करके लगाते हैं तो फिर उसके हिसाब से जो है उसका इफेक्ट भी वैसा ही रिफाइंड ही निकलता है। तो दोस्तों ये तो थे बेसिक मस्क, जो मस्क जैसे मस्क है। अब कुछ ऐसे अतर भी है जो इनके थोड़े डिराइव्ड है या इनमें थोड़े ब्लेंडेड है, तो अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक बड़ा ही फेमस सा यू नो डायलॉग है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और इसके बाद इसके पीछे एक स्टोरी भी दोस्तों। तो इश्क तक को तो आपको एक्सपीरियंस होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मस्क का कैसा होता है कि जो हिरण होता है जिसमें से एक कस्तूरी निकलती है, उसके साथ ऐसी कुछ विडंबना होती है कि उसको कंटिन्यूअसली जो है इस जब से वो मस्क ग्लैंड डेवलप हो जाता है हिरण के अंदर, वो मस्क की खुशबू उसको आने लगती है हिरण को, और जो हिरण है वो ये खुशबू को सूंघते सूंघते पूरे जंगल में ढूंढते रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, जबकि उनको मृत अपने मतलब उस हिरण को उसकी मृत्यु तक तो ये पता ही नहीं होता कि वो खुशबू उसके अंदर से ही आ रही होती है। तो ये कैसी विडंबना है दोस्तों, देखो खुशबू उनके अंदर से ही आ रही है लेकिन उनको पता नहीं पड़ पा रहा कि खुशबू के जो सोर्स है वो खुद ही है। तो आप भी अपनी खुशबू पहचानिए। ओके, सो ऐसे ही एक ये अतर है, अतर एरोकेम महके कस्तूरी। अब इसमें डार्क मस्क जैसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, दिस इज अ वेरी प्लेजेंट परफ्यूम, लेकिन इसमें मस्क वाली कोई बात नहीं है ऑनेस्टली। आई मीन देर इज नो कस्तूरी जैसा इसमें मेरे को तो कुछ भी नहीं लगा। अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो आपको याद होगा पहले के जमाने में जब 90s और 80s के जो किड्स हैं उनको पता होगा कि एक जी कंपनी का पेन आता था, ये और भी कंपनी के आते होंगे, जिनको लिखने के बाद ना वो जो लिखावट है उसमें से खुशबू आती थी, तो वो जैसी खुशबू आती थी उस टाइप की कुछ खुशबू ये महके कस्तूरी में से आती है। बट हाँ, इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पर्सनली तो इसमें डार्क मस्क या कस्तूरी जैसा कुछ भी नहीं लगा। ये फ्रेग्रेंस है वो प्लेजेंट है, बट इसमें कस्तूरी जैसा मुझे कुछ नहीं लगा। तो एक और मेरे को बात करनी है, ये मैंने कस्तूरी एक अतर लिया था, काफी महंगा है ये, मतलब ये इतना अतर जो है वो 1400-1500 का है, एंड बेसिकली ये कस्तूरी है ही नहीं, ये नख चोया है, जो चोया नख या नख चोया बोलते हैं, जो सीपीओ की फ्रेग्रेंस होती है वो प्लेजेंट है थोड़ी सी शमामा मिला के। और इसको जो है क्योंकि अब कस्तूरी मस्क वगैरह तो मिलता नहीं, काफी लोगों को पसंद आता भी नहीं, सो इसलिए ऐसे फ्रेग्रेंस जो है वो नख चोया और शमामा को मिला के जो है वो उसको कस्तूरी बोल के भी दिया जाता है। अपने आप में फ्रेग्रेंस बहुत प्लेजेंट है और ठंडी में बहुत अच्छा कमाल भी दिखाती है, नो डाउट, बट ये कस्तूरी नहीं है, तो इसको नख चोया के नाम से बेचा जाए तो अच्छा है, ये कस्तूरी नहीं है ये ऐसा भी होता है। ओके, सो फिर दोस्तों थोड़ा और बात करते हैं, जो मैंने साइवेटी बताया था आपको परफ्यूम में, आप ये देखिए जो नॉर्मल हमारा मस्क होता है वो कैसा, थोड़ा ये जो है आपका डार्क ब्राउन कलर का होता है, ये एक ब्लैक मस्क है मेरे पास में,
ये भी कस्तूरी के नाम से ही मिला था मेरे को, बट मैंने और कंपनियों के ब्लैक मस्क ट्राई किए, तब मुझे पता पड़ा कि ये ब्लैक मस्क है। तो ये देखिए आप कलर में डिफरेंस देखिए, और ये जो है ये मस्की है, लेकिन अत्तर जो समझते हैं, परफ्यूम जो समझते हैं, इन दोनों में डेफिनेटली बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है, दोनों बहुत अलग है। तो ये और ज्यादा डार्क है, और ज्यादा हैवी है, और ज्यादा इसमें आपको गीले एनिमल जैसे के आसपास होने की फील आएगी। तो शुरुआत शुरुआत में तो ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, अजीब सा लगेगा, बट थोड़े दिनों बाद जो है वो इसकी जो है वो एक आदत भी हो जाती है, और इसको समझने की जो कैपेबिलिटी है वो भी आ जाती है। तो ये साइवेटी काइंड ऑफ जो है फर वाले किसी एनिमल के जैसी ये सुगंध है। ऑफ कोर्स आई डोंट नो वेदर दिस इज ओरिजिनल और नॉट, आई एम अज्यूमिंग ये सिंथेटिक ही होगा, बट फील इसमें वैसा ही आ रहा है। इट इज वेरी डार्क, बहुत डार्क है। ओके, तो ये हो गया। और एक और ये है, दिस इज अगेन, ये शमामा है दोस्तों, लेकिन इसको भी कस्तूरी के नाम से दिया गया था। ये तो प्रॉपर शमामा ही है, बड़ा बेसिक सा शमामा है। तो मैं एक्सप्लोर करता था, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट मैंने की काफी अत्तर को समझने के लिए, काफी बार जो है वो फ्लूक में भी गए पैसे, बट हाँ इट वॉज वर्थ टू अंडरस्टैंड वॉट डिफरेंट फ्रेगरेंसेस आर। फिर दोस्तों मैं एक और फ्रेगरेंस के बारे में बताना चाहता हूँ, ये स्पेसिफिकली जो है वो मेरे को बहुत पसंद है ये, और इसका नाम है मुश्क। दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ पूरन दास रणछोड़ दास फ्रॉम हैदराबाद। ओके, इसका नाम है मुश्क, और देखिए डियर का फोटो बना हुआ है इस पे। अब इसका जो फ्रेग्रेंस है ये एक यूनिवर्सल, मतलब क्या बात है, क्या दिस इज लाइक यू नो दिस इज अ पावर 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 पैक अतर ऑफ विंटर। सो इसमें आपको जो है सबसे पहले पान की खुशबू आएगी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कस्तूरी जो है वो पान में भी डाल के खाई जाती थी, तो वो फील आपको आएगी, पान की खुशबू आएगी, कस्तूरी के आपको नोट्स मिलेंगे, आपको हिना के नोट्स मिलेंगे, और आपको एक बर्स्ट मिलेगा शमामा का। सो अगर आपको ये सब एक साथ समझना है, या आप चाहते हो कि ये सब ब्लेंड आपको, ये सब कस्तूरी शमामा हिना और पान, थोड़ा सा टोबैको वगैरह जो है इफेक्ट वो भी आपको मिलेगा, ये सब आपको ब्लेंड में मिले, तो देन यू शुड गो फॉर दिस। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है यार, दिस इज लाइक वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। और इसको लगा के अगर आप जाओगे ना, तो कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि अरे यार ये पान खा के कौन गया है, ये ऐसा भी हो सकता है, बट दिस इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, मतलब फ्रेश कम सेटलिंग, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये अलग ही है, ये अलग ही है दोस्तों, ये दिस इज वेरी अंडर रेटेड, मतलब जो लोगों ने ट्राई नहीं किया है इसको, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मस्क ट्राई नहीं भी कर पाओ तो प्लीज ये जरूर ट्राई करो, बिकॉज एक तो ये अंडर रेटेड है, प्लस इसमें बहुत ही प्लेजेंट फ्रेशनिंग और सेटलिंग खुशबू है। सो दोस्तों ये था हमारा वीडियो मस्क के बारे में, आज हमने समझने की कोशिश की कि मस्क कैसे स्मेल करता है, मस्क की ओरिजिन्स क्या है, मस्क के डिटेल्स क्या है, पर्पस क्या है मस्क के, और कौन से सीजन में इसको यूज करना चाहिए। सो काफी बार ऐसा कहा जाता है कि लेडीज को मस्क नहीं यूज करना चाहिए, या लेडीज मस्क यूज नहीं करती हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट ऑनेस्टली, मुझे सिर्फ इतना बताया गया कुछ परफ्यूमर्स द्वारा कि क्योंकि ये एक हैवी फ्रेग्रेंस है जो गर्मी पैदा करती है, इसलिए जनरली लेडीज यूज नहीं करती ये वाला मस्क, इसलिए ही उनके लिए व्हाइट मस्क बनाया गया है। अब ये बात कितनी सही है कितनी झूठ है आई हैव नो आइडिया, बट ये मैंने कहीं से सुनी तो मेरा काम है आपको बताना। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, कीप स्मेलिंग गुड, अपना और अपने परिवार का प्लीज ध्यान रखो, नमस्कार एंड टेक केयर।